खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। बल्लभगढ़ के अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा द्वारा स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फरीदाबाद सेक्टर 2 में पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक स्मारक में सभा के राष्ट्र अध्यक्ष मुख्य अतिथि सुरेंद्र शर्मा बबली ने झंडा फहराया। स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 2 में शहीद स्मारक पंडित चंद्रशेखर आजाद के चौक पर आज अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र शर्मा बबली ने की। भगवान परशुराम की जय। स्वास्थ्य क्या संदेश देना चाहिए? शर्मा जी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम। आज हमारे लिए भव्य त्यौहार से कोई दिन कम नहीं है। आज के दिन हमें आज़ादी प्राप्त हुई। हम इसको अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। आज हमने चंद्रशेखर आज़ाद जी स्मारक व चौक सेक्टर 2 पे झंडा फहराया है और माननीय आज़ाद जी को हमने माल्यार्पण किया है और पूरे देश, पूरे समाज, पूरे जनमानस से प्रार्थना है, शहीदों को सत सत नमन करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उन्हीं की मेहरबानी से, उन्हीं की कुर्बानी से आज हम स्कूली हवा में सांस ले रहे हैं और भारत की आज़ादी का श्रेय हमारे पूर्वजों को, हमारे स्वतंत्र सेनानियों को जाता है। मैं अपनी तरफ से पुनः पूरे राष्ट्र को, देश को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान। अरे हो चिंता भारत माता की जय। हमारे साथ है अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के युवा प्रेसिडेंट हरीश प्रसाद जी। आप देशवासियों को कैसे देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बात करने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा सभी से ये अपील करता हूँ कि भाईचारा बना के रखें, सुख शांति के साथ रहें, एक दूसरे के सभी कामों में देश के प्रति सहयोग करें। और जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानी और नौजवानों और शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने अपने परिवार और मैं अपने बारे में सोचते हुए देश को कुर्बानी दे दी, उसी प्रकार मैं अपने देशवासियों से कहती हूँ कि हमारे देश में कोई भी काम ना करें जिससे हमारे देश को किसी भी तरह की अनाजिकता और अराजकता को प्रभाव फैले और अपने देश से आज सुख शांति बनाए रखें। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के पूरे वरिष्ठ पदाधिकारी सर, आप देशवासियों के पास मैं हमें जानना चाहता हूँ कि हमने अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र शर्मा बबली के प्रधानगिरी में हमारे देश के लिए हम 70वां मना रहे हैं 72वां, और उनके बाद में हमने ये चंद्रशेखर चौक हमारे बबली भाई की देन है। हमारे भाई के अनुसार हम बहुत ब्राह्मणों का एक काम कर रहे हैं। ये कुल पर बुडेरा के कुल पर हमने एक नाम रखा है, काम किया है और अगर सर हम समाज में चाहते हैं 72 साल पहले जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस आज़ादी में हमारा सबका सहयोग है। और मैं इसे कहना चाहूँगा कि जब आज़ादी हुई थी 773,000 सैनिक मारे गए थे, जो आज भी हमारे हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में है और जिनका रिकॉर्ड है ही नहीं वो अभी तक जो है देश भारतीय को आज़ाद कराने सभी के भी। साथियों में कितना दोष है जो आज स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। मैं हर देशवासियों से अपील करूंगा कि वो स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाए, एक त्यौहार की तरह मनाए, ये हमारी आजादी का दिन है। मैं विकास भारत शर्मा राष्ट्र खबर के लिए फरीदाबाद। मोहनगढ़ में देश का सबसे बड़ा त्यौहार स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल में धूमधाम से मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि SDM विनेश कुमार ने सुबह 9 बजे राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया तथा परेड की सलामी ली। हरियाणा पुलिस के साथ अन्य स्कूलों की 14 टुकड़ियों ने भव्य मार्च पोस्ट का प्रदर्शन किया। 15 सेकंड के बाद बजी राष्ट्रीय धुन पर ध्वजारोहण किया, तो वहीं आजकल आम नागरिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रहे। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में बच्चों के अभिभावक और शिक्षक की ही मौजूद दिखाई दिए। SDM विनेश कुमार ने सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा भी की।
आजाद हुए 72 साल हो गए, सभी खुशियां मना रहे हैं और भारत देश में आज तिरंगे की लहर देखने को मिल रही है। बीजेपी दफ्तर बनाने को लेकर लगातार विरोध कर रहे कर्मचारियों ने धरने पर ही झंडा फहराया। 104 साल की बुजुर्ग महिला ने तिरंगा फहराकर सलामी भी दी। लेकिन जहां महिला को बराबरी का दर्जा देने की सरकार बात कर रही है, इससे तो यही लगता है कि सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। सभी ने धरने पर तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्रगान के साथ सलामी भी दी। हम देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस का सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे देश में शहादत दी है। धरना हमारा चल रहा है, ये एक अलग चीज़ है। जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो हम सब 360 के लोगों ने एक ही फैसला किया कि हम अपने देश के लिए सर्वोपरि हैं। जब भी देश पे कोई भी इस तरह की बात आएगी तो हम सब देश के लिए एक हैं। हम चाहते हैं कि आज हमारे जो देश गांव की 104 साल की बुजुर्ग महिला ने आज यहाँ झंडा फहरा के हमारे 360 के चौधरी महेंद्र सिंह ठाकरण, सरपंच साहब ओम प्रकाश जी, धर्मवीर जी, सभी लोगों ने गांव के एकता का परिचय देते हुए सब ने राष्ट्रीय झंडा का जो ना ध्वजारोपण किया है और ये शपथ ली है कि हम एक ऐसा कानून चाहते हैं जो एक पंचायत के रूप में जो भी ज़मीन कहीं भी है पूरे देश में वो गांव की सुविधा के लिए ही छोड़ी जाए, ऐसा हम एक कानून बनवाना चाहते हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, मुख्यमंत्री जी को भी ये बताना चाहते हैं कि जहां भी देश में पंचायत की ज़मीन है वो गांव के लिए ही सुरक्षित रखी जाए। आज आज़ादी का दिन है, जो शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं। जो हमारे बुजुर्ग सब शहीद हुए हैं उनको, सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आज हमें 37वां दिन हुआ है, प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमें औरत और लेडी जेंट्स का सम्मान गैल दिया है, लेकिन ये तो सोचे माताओं बहनों ने हमें 37 दिन हो गए, हमारे पास कोई तो भेजता। गरौना में आज़ादी का जश्न मनाने के कार्यक्रम में तिरंगे का अपमान हुआ, तो वहीं समारोह में शामिल हुए स्कूली छात्रों को राष्ट्र सम्मान की जानकारी भी नहीं दी गई। हैफेड चेयरमैन और विधायक अरविंद कल्याण के भाषण के दौरान बच्चे तिरंगे को पंखे की तरह इस्तेमाल करते रहे। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर सवाल पूछे जाने पर सरकारी अध्यापकों के पसीने छूट गए। कैमरा बंद करने की गुहार लगाते हुए कहा कि तिरंगे की बेकदरी उन्हें नहीं दिख रही है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस कार्यक्रम में लापरवाही की हद उस समय नजर आई जब समारोह के अपमान पर बड़ी संख्या में बच्चे राष्ट्र ध्वज को यहाँ वहाँ फेंक कर चलते बने। तिरंगे के सम्मान में कार्यक्रम किया गया था या अपमान में? बच्चों को नहीं, सम्मान में ही होता है ये, अपमान में तिरंगे के सम्मान में ही क्या? पलवल में रेलवे लाइन के पास महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले में पति सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सदर थाना प्रभारी द्रवेंद्र सिंह ने बताया है कि जब आरोपियों से पूछताछ की तो महिला की हत्या कराने में उसके पति राहुल का ही हाथ निकला। पुलिस ने जब आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें महिला की हत्या कर शव को नेशनल हाईवे के निकट रेलवे लाइन के पास दबा दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया है, टोटल बॉडी कैंप ये लोग काफ़ी हद तक जो है फूली हुई है, गलने के हालात में और विष्णु को अरेस्ट किया है, इसमें उनको अदालत में पेश किया जाएगा, वहाँ से रिमांड हासिल किया जाएगा। नागर चौधरी के DRDA भवन में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा मौजूद रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा ने कहा कि हरियाणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिए कई तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं। अमित शर्मा ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए।
मतलब बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन देश के विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखने के साथ ही समाज सेवा का हिस्सा बन भारतीय नागरिकता की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाती हैं। देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रवीना कहती हैं कि हमें आजादी का जश्न एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मनाना चाहिए और साथ ही हमें उन लोगों को धन्यवाद करना चाहिए जो सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता दिवस मना पाते हैं। हमें उनका आभार जताना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमें आजादी दिलाई है। ये एक दिन है जब हमें आजादी के लिए पूरी तरह से हमारे सैनिकों को धन्यवाद कहना चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्र खबर। नमस्कार।